जाने अनजाने में किए हुए पापों के लिए यज्ञ की चर्चा की है। हमारे यहाँ पंच यज्ञ की चर्चा हुई है, पांच यज्ञ करने की बात हुई है। और ये यज्ञ बहुत आसान है, बहुत सरल है। कलयुग में चीजों को बड़ा बड़ा सॉफ्टली डिजाइन कर दिया गया। पहला यज्ञ है, अगर आपसे जाने अनजाने में, हर किसी से, मेरे से भी होते हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, जाने अनजाने में सबसे पाप होंगे। अगर हम इस धरती पर आए हैं भैया, तो आप बच नहीं सकते। क्रोध मुझे भी आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, कभी कभी लोगों की बड़ी जोर से मैं झाड़ लगा देता हूँ। बाद में दुख होता है कि प्रेम से भी इस बात को हैंडल किया जा सकता था। ग्लानी होती है, तो जाने अनजाने में हम सबसे कोई ना कोई अपराध जरूर होता है। तो दर्शन आता है, पांच यज्ञ मैंने कई बार बताए हैं, फिर सुन लें, ये पांच यज्ञ क्या हैं? पहली रोटी गौ माता की, ये अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है, क्योंकि जब हम अग्नि हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें जो हम समिधा डालते हैं, वो समिधा फिर धुआं बनती है और फिर आकाश में जाती है और देवताओं का भोजन बनती है। समझिएगा बात को। लेकिन कलयुग में इसकी भी बहुत ज़रूरत नहीं बताई गई। कलयुग में कहा गया, तुम हवन न कर पाओगे, तुम तीर्थ न कर पाओगे, तुम कुछ न कर पाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ गौ माता को एक रोटी दोगे पहली, क्योंकि पहला भोग तो भगवान को ही लगता है ना, तो पहली रोटी अगर हम गौ माता को दे रहे हैं तो समस्त देवताओं को रोटी जा रही है, यज्ञ है। तो किसी भी अपराध से पहले बात बचने का दर्शन। दूसरा, हमारे यहाँ बोला गया कि जो रोटी आपकी दूसरी रोटी है उसमें से पांच छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, उसमें गुड़ या शक्कर डालिए और आपका चूल्हा जो बर्नर है उसके चारों तरफ रख दीजिए। दूसरा यज्ञ हो गया। तीसरा, कोई रोटी या आपके यहाँ कोई भी सामग्री पक्षियों को जरूर डालना चाहिए, आवश्यक बताया गया। तीसरा यज्ञ हो गया। चौथा, आपके घर में बनने वाले भोजन में से एक हिस्सा किसी मंदिर, किसी साधु, किसी के लिए भी जरूर जाना चाहिए, किसी के लिए भी जरूर जाना चाहिए, ये नियम है। और पांचवा दर्शन है कि आपके घर में अंतिम रोटी श्वान या कुत्ते को जरूर जानी चाहिए। देखिए प्रकृति का कितना ख्याल रखा है सनातन धर्म ने, और इसको अनिवार्य कर दिया गया कि जस्ट डू इट। और जो व्यक्ति जिस घर में, जिस परिवार में पांच यज्ञ होते हैं, उस परिवार को कभी भी जाने अनजाने में किए हुए पापों का फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए आप इस कार्य को करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। धन्यवाद।